पूज्य अशोकानंद जी, जैन समाज के और संस्कृति के पुरोधा पूज्य अनयन पद्म सागर जी महाराज, यहाँ पर उपस्थित माता और बंधु, हिंदू हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू गौरव के रक्षक, दो रूम की किराए की ऑफिस में चलने वाली अज्ञान संस्था विश्व हिंदू परिषद को लाखों गांव और करोड़ों लोगों तक पहुंचाने वाले जननायक, राम जन्मभूमि आंदोलन के महानायक, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का स्वप्न अपनी आंखों में देखकर समाहित हो गए। 1998 की बात है, मैं पैंट शर्ट टाई पहनकर प्रतिदिन 5-6 ऑपरेशन कर रहा था। अशोक जी का संदेश है कि दिल्ली आएंगे। दिल्ली में गया तो अशोक जी विश्व हिंदू परिषद के सब वरिष्ठ लोग बैठे थे। अशोक जी ने कहा कि हम 75 उम्र पहुंच रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप आ जाए। मेरी उम्र 40 साल की थी, मेरा बेटा 7 साल का था। हमने हॉस्पिटल छोड़ दी, दूसरे दिन हॉस्पिटल से मेरा बॉर्ड उतर गया, विश्व हिंदू परिषद का बॉर्ड उतर गया, हमारा घर छूट गया और अशोक जी के पीछे हम निकल गए। किसी के कहने से हम 100 रुपया भी देते, किसी के कहने से जीवन दे रहे हैं, कैरियर कुर्बान कर रहे हैं, परिवार छोड़ रहे हैं। और ऐसे एक नहीं, यही सुनील मान सिंह का, उनको घर छोड़वाने का निर्णय का मैं साक्षी हूं। और घर छोड़वाने के बाद उनकी माता की आज्ञा लेने के लिए मैं गया था। व्यंकटेश आपदेव अभी हॉस्पिटल में प्रोफेसरी छोड़कर निकल गए। ऐसे हजारों हजारों कार्यकर्ता को अपनी कैरियर अपना घर छुड़ाकर निकलने वाले अशोक जी थे। जिनका जीवन श्रेष्ठ होता है वही दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। भाषणों से प्रेरणा नहीं मिलती है, प्रेरणा तो जीवन से मिलती है। और अपने जीवन से प्रेरणा लेकर यह देश में महान हिंदू आंदोलन खड़ा करने का काम आधुनिक युग में अशोक जी ने किया। 2,500 वर्षों से हम आंधियों से गुजर रहे हैं। हमें याद है लाहौर रावलपिंडी काबुल कंधार हमारा था, हमें याद नहीं है कि मक्का हमारा था, रोम हमारा था। आज भी बल्गेरिया रोमेनिया के नजदीक एक छोटा सा देश है लिथुएनिया, उन देश के इतिहास में लिखा है कि वहां के हिंदुओं ने 1800 साल पहले 300 वर्षों तक संघर्ष किया। जब हिंदू धर्म बच नहीं पाया, हमने चित्तौड़ दुर्ग का जोहर देखा है, लिथुएनिया में जोहर हुआ था, आज भी बदुर में जिंदा है। हिंदू बच नहीं पाया लिथुएनिया में, न बच पाया रोम में, न मक्का में, मदीना में, ढाका में, चिटागांव में। और यह 2,200-2,500 वर्ष के अंधियों के बीच यह धर्म और महान संस्कृति की रक्षा करने के लिए कोई साधु भी आए, इतिहास ने उसको जगत गुरु शंकराचार्य कहा, रामानंदाचार्य कहा, रामानुजाचार्य कहा, स्वामी रामदास कहा, तुकाराम कहा, साधु भी आए, सैनिक भी आए, उनको शिवाजी कहा, महाराणा प्रताप कहा, लाचित बरफुकान कहा, अशोक जी सिंघल साधु भी थे, सेनापति भी थे। वह व्यक्तिगत जीवन में साधु थे, जब धर्म की रक्षा का प्रश्न आया तो वह सेनापति थे। शायद इतिहास में यह अजोड़ कॉम्बिनेशन था कि व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन निष्प्रही साधु का है, पर धर्म की रक्षा का प्रश्न आता है तो वह सेनापति बनकर सामने से नेतृत्व करता है। राम जन्मभूमि आंदोलन के बारे में हम सब जानते हैं, पर तो शायद ये लोगों को पता नहीं है कि राम जन्मभूमि मंदिर का आंदोलन वह ऊंचाइयों के गा, वह राम जन्मी आंदोलन ने पहला रक्त
रक्त यदि धरती पर गिरा था तो अयोध्या में अशोक की सिंगल का गिरा था। रूम में बैठकर नेतृत्व करने वाले नहीं, पीछे रहकर नेतृत्व करने वाले नहीं, फ्रंट में जाकर नेतृत्व करने वाले वह सेनापति थे। अशोक जी का बहुत बड़ा योगदान इतिहास याद रखेगा। पश्चिम के विचार से प्रभावित होकर पश्चिम ने कहा चर्च और स्टेट डिफरेंट इंडिपेंडेंट है, मजहब और राजसत्ता अलग है। हमने रिलीजन, चर्च और मजहब का भाषांतर धर्म किया और स्वतंत्र भारत में हमने राजनीति से धर्म को देश निकाल किया। पुस्तकों में से गणपति का ग हट गया, गधे का ग आ गया, संपूर्ण भारत की राजनीति धर्म विहीन हो चुकी। तब यह भारत की राजनीति पर धर्म की पुनः स्थापना करवाने का काम अशोक जी सिंगल ने किया। बिना धर्म राजनीति नहीं चलेगी और राम जन्मभूमि आंदोलन भारत की राजनीति पर धर्म का वर्चस्व पुनः स्थापित करवाने का अभियान बना। और उनका परिणाम कहां तक आया? उनका परिणाम यह आया कि पाकिस्तान आबादी, अलगाववादी मनोवृत्ति लेकर चलने वाले लोगों की संख्या इस समय भारत के संसद में सबसे न्यूनतम है, लेसर 52 है। और यदि भारत की राजनीति में अलगाववादी ताकतों को हटाकर धर्म का वर्चस्व पुनः किसी ने स्थापित किया है तो वह अशोक जी सिंगल ने किया है। यह देश में हिंदुत्व का गौरव समाप्त हो चुका था, हिंदुत्व अपमान का नाम बना था। तब हां में हिंदू हो, हिंदू होने का गर्व अशोक जी सिंगल के नेतृत्व में हिंदू समाज ने पुनः खड़ा किया। यह देश में लाखों मंदिरों में ब्राह्मण नहीं ऐसे बंदूक पूजा करते हैं। ब्राह्मण को जन्म से घर में संस्कार मिलते हैं पूजा पाठ का, जो ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं उसको कहां से मिलेगा? अशोक जी सिंगल के मार्गदर्शन में 1,25,000 से ज्यादा ग्रामीण पुजारी जो ब्राह्मण परिवारों से नहीं थे उनको पूजा पाठ का प्रशिक्षण देने का काम हुआ। विश्व हिंदू परिषद की पहचान आंदोलन के कारण है, पर आज 58,000 से ज्यादा गांव में एकल विद्यालय के आधार पर 2,000,000 से ज्यादा बच्चों को शिक्षा देने का काम करके शिक्षित भारत, समृद्ध भारत शायद बहुत बड़ा अभियान बना है। गंगा की सफाई आज केंद्र सरकार का एजेंडा बना है, पर यह विचार और आंदोलन प्रारंभ तो 1995 में अशोक जी सिंगल ने किया था। 1995 में निर्मल अविरल गंगा की धारा का संकल्प लेकर काशी से लेकर गंगा सागर तक की गंगा नदी में यात्रा स्वामी चिन्मयान जी के नेतृत्व में करके अविरल निर्मल गंगा का अभियान जो प्रारंभ किया था आज वह केंद्र और राज्य सरकारों का एजेंडा बना है। गाय कटने नहीं देंगे और गाय कटने नहीं देंगे, इसलिए बजरंग दल द्वारा सड़कों पर प्रयास और गाय कटने नहीं देंगे, गाय बिकने नहीं देंगे, इसलिए गौमूत्र गोबर के आधार पर उत्पादन करके गाय को स्वावलंबी, दूध नहीं देने वाली गाय को स्वावलंबी बनाकर गाय बचाने का महान अभियान। हमारे यहां माना गया था कि छुआछूत अनटचेबिलिटी रिलीजियस है, अर्थात छुआछूत को शास्त्र का, धर्म ग्रंथों का, संतों की मान्यता है, इसलिए समाप्त नहीं हो सकता है। मैंने भी वेदों का अध्ययन किया है, वेदों में कहीं अनटचेबिलिटी नहीं, पर माना गया था
की शास्त्रों की मान्यता है। अशोक जी सिंघल के जीवन में दो एक्शन जिनके कारण छुआछूत को शास्त्रों की मान्यता नहीं है, अंतर्चरित्री शास्त्र बाह्य है, और उन्होंने व्यवहार में सिद्ध किया जिनका उल्लेख बंधुओं ने किया, अयोध्या के राम मंदिर का शिलान्यास तथा कथित सेंट्रल कास्ट अनुसूचित जाति के बिहार के बंधु कामेश्वर चौपाल के द्वारा शंकराचार्य की उपस्थिति में किया। प्रश्न कामेश्वर चौपाल नहीं है, प्रश्न छुआछूत को शास्त्र की मान्यता नहीं है। और दूसरा चरण काशी में दो राजा है, एक काशी का राजा जो ब्राह्मण कुल से है और दूसरा काशी का राजा चांडाल नरेश जो अनुसूचित परिवार से है। अशोक सिंघल ने शंकराचार्य को लेकर ब्राह्मण कुल से पैदा हुए काशी नरेश के वहां नहीं गए, सेंट्रल कास्ट के परिवार में जन्मे चांडाल नरेश डॉम राजा के वहां जाकर शंकराचार्य का भोजन करवा के ये देश में छुआछूत को शास्त्रों की मान्यता नहीं है व्यवहार में सिद्ध किया, और देश के आज 20,000 से ज्यादा संत ये देश को छुआछूत मुक्त भारत बनाने के काम में लगे हैं। अशोक जी सिंघल आने के पहले विशुद्ध परिषद कैसी थी? मैं स्वयं तो विशुद्ध परिषद में नहीं था, मैं तो पैंट शर्ट टाई वाला सर्जन था, तो मैं कहता था एक एजेड हो ये वृद्धों की संस्था है, क्योंकि विशुद्ध परिषद में जिनको देखते थे वह 60-70 के देखते थे। अशोक जी सिंघल 82 में आए और 82 के बाद जो विशुद्ध परिषद दिखाई दी वह वृद्धों की विशुद्ध परिषद नहीं दिखाई दी, ये युवाओं की विशुद्ध परिषद दिखाई दी। और 40 साल की उम्र में जब मैं विशुद्ध परिषद का महामंत्री बना, मेरी उम्र 40 वर्ष थी। मन यहां 60 वर्ष के पहले विशुद्ध परिषद में कोई आता नहीं था, उस संस्था का अंतरराष्ट्रीय महामंत्री भी 40 साल का, उनके प्रांत के महामंत्री 28-30-35 साल के, संपूर्ण विश्व हिंदू परिषद का कायाकल्प हो गया और नीचे तक यह संस्था वृद्ध बंधुओं के साथ युवाओं की संस्था में परिवर्तित। यह बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिकल लॉन्ग टर्म अशोक जी का विजन, और विजन उन्होंने नीचे तक चरितार्थ किया। यहां हमारे आनंद शंकर जी जैसे 90 वर्ष के बुजुर्ग भी है और 28 वर्ष का युवान भी है, दोनों साथ में काम करते हैं। वह संस्था का परिवर्तन अशोक जी सिंघल के कारण। अशोक जी सिंघल आने के पहले विशुद्ध परिषद में निर्णय था कि कोई आंदोलन नहीं करेगा, कब तक 1980 तक, और 82 में अशोक जी सिंघल आए, तब तक मीनाक्षीपुरम का धर्मांतर हो चुका था, देश में से बहुत धर्मांतर हुए, कौन से धर्मांतर के विरुद्ध देश व्यापी आवाज उठी आंधियां उठी, एक ही धर्मांतर है जिनके विरुद्ध देश व्यापी हिंदू खड़ा हो गया, वह मीनाक्षीपुरम का धर्मांतर था और वह अशोक जी सिंघल का पहला नेतृत्व था। बाद में प्रचारक अशोक जी सिंघल लोगों की नजरों में नहीं रहे, वह एक सिंह सेनापति अशोक जी सिंघल लोगों की नजरों में रहे। गंगा जल लेकर एकात्मता यात्रा विश्व हिंदू परिषद गांवों में जन जनों तक जाने लगी, और जैसे महाराज जी ने कहा ये देश में पॉलिटिकल निर्णय के लिए लेजिस्लेशन के लिए तो पार्लियामेंट है, ये देश के सैकड़ों संप्रदाय के सभी संत शंकराचार्य मिलकर साथ में बैठकर सामूहिक चिंतन करके हिंदू समाज की स्ट्रेटेजी तय करें, और सिर्फ स्ट्रेटेजी तय न करें, यह करने की परमानेंट व्यवस्था इंस्टीट्यूशन, उनका नाम है धर्म संसद। ये धर्म संसद अशोक जी सिंघल का विचार व्यवहार और राम जन्मभूमि आंदोलन का पहला निर्णय 1984 की दिल्ली की विज्ञान भवन की धर्म संसद में हुआ था। दिल्ली की विज्ञान भवन की धर्म संसद ने प्रस्ताव पारित किया था काशी मथुरा अयोध्या तीनों मुक्त करने का प्रस्ताव, यह पहली धर्म संसद ने 1984 में किया था, और तीनों में से एक का सक्रिय आंदोलन अयोध्या का लेने का निर्णय हुआ। 450 वर्षों का बाबर का कलंक यह धरती पर से मिट गया,
1984 से आंदोलन का एक ही सूत्र था, मंदिर वही कैसे बनेगा। 1984 से आज तक हम एक इसके बारे में एक है, नेक है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने का एक ही रास्ता 1984 से हमने तय किया है। वह रास्ता है जो सरदार पटेल ने बताया था। सरदार पटेल ने मंदिर तोड़ने वालों की डाड़ियों में हाथ डालकर सोमनाथ का मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था, वार्ता नहीं की थी। सरदार पटेल ने सोमनाथ का मंदिर का निर्माण न्यायालय से निर्णय से नहीं किया था। हम संविधान का सम्मान करते हैं, पर संविधान के तीन अर्थ हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव। तीनों के द्वारा संविधान काम करता है। यह तीनों में से हमने राम मंदिर बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव रास्ता पसंद किया। वह रास्ता सरदार पटेल का था। सरदार पटेल ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ने वालों से वार्ता करके नहीं बनाया था, न्यायालय से एप्लीकेशन देकर बनाया था। सरदार पटेल ने सोमनाथ का मंदिर भारत सरकार के निर्णय से बनाया था, इसलिए 1984 से मंदिर वही। उनकी एक ही मांग है, भारत की संसद कानून बनाकर राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करे। लोग प्रश्न करते हैं, केस पेंडिंग है, कायदा कैसे बन सकता है, हिंदुओं को मूर्ख बनाने का कोई प्रयास मत करो। क्या साहबानों केस के केसेस नहीं चले थे? क्या साहबानों केस के केसेस में पेंडिंग केस भी नहीं था? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया था क्या? क्या साहबानों केस में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय देने के बाद मुसलमानों की भावना का आदर करने के लिए तुमने संविधान नहीं बदला था क्या? यदि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद निर्णय को निरस्त करने के लिए भारत की संसद कानून बना सकती है, तो भारत की संसद में पेंडिंग केसों को निरस्त करके अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का कानून भारत की संसद को बनाना ही होगा। इसमें 1984 से राम मंदिर आंदोलन एक ही मांग को लेकर चला है। सरदार पटेल के रास्ते पर मंदिर बनेगा, मंदिर वही। 92 के बाद मंदिर वही। अयोध्या में कोई नई मस्जिद नहीं और बाबर के नाम की भारत में कहीं नहीं। यही मार्ग लेकर यह आंदोलन आगे बढ़ा है। देश के सभी राजनीतिक दलों के एमपी का हमने एक साल पहले संपर्क किया है, कांग्रेस, एनसीपी, सपा, बसपा, कम्युनिस्ट, बीजेपी और सबसे मांग की है कि राम जन्मभूमि का कानून बनाने का समर्थन करो। हमने मांग सबसे की है, पर कुछ लोगों ने समर्थन नहीं दिया तो अभी रुक नहीं सकता है, क्योंकि कानून बनाने के लिए बहुमत चाहिए। बहुमत है, इसलिए भारत की संसद राम जन्मभूमि के लिए कानून बनाकर मार्ग प्रशस्त करे। यही हमारी 84 से मांग है। यह मांग पर हम एक है, नेक है। यह मांग लेकर ही आंदोलन चला है। और अशोक जी सिंघल और विश्व हिंदू परिषद दोनों पर्याय। विश्व हिंदू परिषद का नाम लोगे तो अशोक जी सिंघल का चेहरा दिखाई देगा हिंदू, और अशोक जी सिंघल का चेहरा देखेंगे तो विश्व हिंदू परिषद दिखाई देगा। इसलिए अशोक जी सिंघल और विश्व हिंदू परिषद पर्याय है। अशोक जी सिंघल और राम मंदिर आंदोलन भी पर्याय है। राम मंदिर आंदोलन का कोई महानायक रहा? हिंदू तो 450 वर्षों से
वर्षों से लड़ रहा था। कौन लड़ रहा था? अयोध्या का हिंदू लड़ रहा था, कानपुर का हिंदू नहीं लड़ रहा था, आगरा का हिंदू नहीं लड़ रहा था, तमिलनाडु आंध्र कर्नाटक गुजरात बंगाल का हिंदू नहीं लड़ रहा था, अयोध्या का हिंदू सिर्फ राम मंदिर के लिए लड़ रहा था। यह आंदोलन को कोटि कोटि हिंदुओं का आंदोलन बनाने वाले महानायक का नाम अशोक जी सिंघल था, और वह अपनी आंखों में भव्य राम मंदिर का स्वप्न रखकर शांत हो गए हैं। इसलिए अशोक जी सिंघल को एक ही श्रद्धांजलि होगी, अयोध्या में राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर, वही श्रद्धांजलि होगी। मैं तो अशोक जी सिंघल को श्रद्धांजलि तब दूंगा जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनेगा और कार सेवक में अशोक जी सिंघल की प्रतिमा होगी। वह प्रतिमा को पुष्पहार करके रामलला के दर्शन करने जाऊंगा, वही अशोक जी सिंघल की प्रवीणता में अपनी श्रद्धांजलि। किसी भी महापुरुष का जाने का दुख तो होता है, दुख हमें भी है। हमने अपनी पूरी युवानी और मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता ने अशोक जी सिंघल के शब्द पर दबाई है, सत्कार्य में लगाई है, परंतु क्या उनके दुख में हम दुखी रहेंगे? हम दुख जरूर अनुभव करेंगे, परंतु हम शोक नहीं मनाएंगे। अशोक जी ने जो स्वप्न देखे थे, अशोक जी ने जो कार्य प्रारंभ किए थे, यह कार्य को पूरा करने का संकल्प और संकल्प की विजय यात्रा में हम परिवर्तित कर देंगे। मैंने कहा कि 2500 वर्ष से हिंदू समाज आदियों से गुजर रहा है, वादियों के बीच समाज को निकालने के लिए अनेक महापुरुष आए और वही क्रम में अशोक जी सिंघल आए। उन्होंने जो स्वप्न देखा था, उन्होंने जो प्रयास किया था, वह प्रयास पूर्ण करने का संकल्प, वह संकल्प को विजय अभियान में परिवर्तित करना, यही हमारा काम होगा। भगवान की कृपा विश्व हिंदू परिषद पर प्रारंभ से रही है, संतों के आशीर्वाद रहे हैं, कार्यकर्ताओं का बलिदान तपस्या रही है। हम भगवान के आशीर्वाद, संतों की कृपा और लाखों कार्यकर्ता के स्वेद सोनी और आंसुओं के आधार पर यह धरती पर हिंदुओं का स्वाभिमान गिरने नहीं देगी। यह देश में हिंदू उठेगा, विजेता बनकर उठेगा। यह धरती पर पुनः विजेता हिंदू, अपराजय हिंदू फिर से यह धरती पर मंदिर तोड़ने वाला किसी को पैदा नहीं होने देंगे, न गाय काटने वालों को खड़े होने देंगे, न हमारी बहन बेटियों का अपमान करने वालों को पांव रखने देंगे। यह देश का हिंदू भूखा नहीं सोएगा, बिना शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार नहीं रहेगा। ऐसा सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, स्वाभिमान युक्त हिंदू, यही अशोक जी के जीवन का संकल्प कार्य रहा। आओ मेरे भाइयों, दुख अपने हृदय में समाहित करके यह महापुरुष की शांत होने की घटना को हम संकल्प में परिवर्तित करके हिंदू विजय तक ले जाए, यही अशोक जी सिंघल के प्रति हम सबका समर्पण होगा। मुझे विश्वास है कि भगवान के आशीर्वाद और संतों की कृपा से हम सभी कार्यकर्ता मिलकर यह कर पाएंगे। आप सभी कंधे से कंधा मिलाकर अशोक जी का संकल्प पूर्ण करने वाला महान विजय अभियान में सम्मिलित होइए, और हम यह दिन का इंतजार कर रहे हैं जब अयोध्या के कार सेवक पुरम में अशोक जी सिंघल की प्रतिमा को पुष्पहार करके हम सब मिलकर वहां बने हुए भव्य राम मंदिर में सामूहिक रामलला की आरती गाए, यही स्वप्न जल्दी भगवान पूर्ण करे, यही अभ्यर्थना करते हुए मेरी वाणी को विराम दें। परम श्रद्धेय अशोक जी पावन स्मृति को प्रणाम कर अशोक जी पावन स्मृति
सिंघल प्रलेता लेति मुँह की श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इस हेतु किए जाने वाले हर अभियान और आंदोलन में मैं तन मन और धन से सदा सक्रिय रहूंगा। जय श्री राम। शांति मंदिर के बाद में पूज्यनीय अशोक जी को पुष्पांजलि देकर जाएंगे। नीचे जो कार्यकर्ता बैठे हैं बंधु, वो सारे बंधुओं से मेरी प्रार्थना है और बहुत ही शांत रूप से हमें ये कार्यक्रम संपन्न हमने किया है। आदरांजलि भी बहुत ही एक कतार में रहकर हम सभी माननीय अशोक जी को आदरांजलि देंगे।